आपने अक्सर देखा हुआ कि लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये हमने बच्चों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर 70 बच्चे, छोटे बड़े बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये एक एग्ज़ाम हो रहा है इनका। अक्सर लोग एक क्लब या कुछ हॉल वगैरह ऐसा आप लेके वहाँ पर कराते हैं, लेकिन हमने सोचा कि बच्चों को कुछ और हार्ड बनाया जाए। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि क्या कैसे कैसे केसेस हो रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खाली एक छोटी सी जगह पर नहीं चाहिए, उनको ऐसा हर माहौल तैयार होना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन रहे वो वहाँ पर आके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसको हार्ड बनाने के लिए बच्चों को हमने सोचा कि इस बार बारिश में रखा जाए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे थोड़ा उभरेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में ये जो छोटी छोटी बीमारी होती ना कि कफ हो गया, मुझे सर कोल्ड हो गया, छोटा छोटे उसमें बीमार पड़ना, तो ये रीज़न क्या है? बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, उनको खेलने का माहौल ही नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है तो खेलने के साथ में एक टफ एग्ज़ाम भी है बच्चों का, और बच्चे मतलब एकदम एक्साइटेड है कि सर हमने कुछ नया किया है। आई होप ये जो हमारा जो एक मैसेज है ये आने वाले मास्टरों को या जो भी ऐसा सेल्फ डिफेंस के कंडक्ट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे वो भी कुछ ऐसा टफ एग्ज़ाम लें ताकि बच्चे आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग बने, और उनको ये छोटी छोटी चीज़ों से गिल्ट फील ना हो कि सर भीगा हुआ है, इधर गीला है, सर मैं नहीं चल पा रहा हूँ। और अब जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा भीगा हुआ है, पूरा माहौल एकदम ये है, फिर भी बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं, तो ये रीज़न क्या है? बच्चों को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो ये कौन देगा? जितने भी कोचेस हैं, मास्टर्स हैं, वही ऐसे सब दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं दे सकता। पेरेंट्स का क्या है? पेरेंट्स आएंगे वो तो बोलते हैं सर मेरे बच्चों को मत कराओ, थोड़ा कम कराओ, लेकिन अगर हम पेरेंट्स के सुनेंगे तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग कब बनाएंगे? तो हमारा मोटिव यही है कि जितना हो सके हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ऐसा माहौल मैं बोलता हूँ कुदरत ने दिया है तो इसका क्यों नहीं हम फ़ायदा उठाएं। इतना अच्छा माहौल है, जैसा फॉरेस्ट होता है जंगल में जाके ट्रेनिंग होती है, तो बारिश में भी होनी चाहिए ना, तो इतना अच्छा माहौल है, तो हमने सोचा कि इसमें हमको कुछ नया लेके आना चाहिए और बच्चों को एक अलग लेवल का ट्रेनिंग देना चाहिए। तो हम बस यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें। मोस्टली आप देखेंगे कि जैसा कि मारा जा रहा था, तो जिसको पता ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है मार्शल आर्ट का, तो वो बोलेगा कि सर तो गधे के जैसा मार रहा है जो स्कूलों में बैंड किया गया है। ये बैंड हो गया इसके लिए ना आज की जनरेशन है ना पढ़ नहीं पा रही है, सही से नहीं पढ़ पा रही एजुकेशन। तो ये जो एक पार्ट होता है कंडीशनिंग का, वो सिर्फ चेक किया जाता है कि बच्चा कैपेबल है कि नहीं है, उनका रैंक के हिसाब से उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। अभी आपने देखा रहेगा कि जैसे कि हम बीच में किसी बच्चों को अटैक कर रहे थे, किक से भी मारा जा रहा था, हाथ से भी मारा जा रहा था और स्टिक से भी, तो हर किसी का एक लेवल है, तो उनका एक कंडीशनिंग बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है कि वो बच्चा उतना कैपेबल है कि नहीं है। वो हक से लेना चाहिए, खाली हमको मारने सिखाना नहीं है, हमको मार खाने की भी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो वही चीज़ आज आपने देखा कि उन बच्चों को हम जो ट्रेनिंग दे रहे थे कि उनकी शक्ति चेक की जा रही थी कि वो कितने कैपेसिटी है। ऐसा नहीं हो कि मैं तो गया मारने लेकिन किसी ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा तो मैं नॉकआउट हो गया, तो फिर मार्शल आर्ट किस बात का? मार्शल आर्ट ये होना चाहिए कि आप 10 भी खा रहे हो तो खड़ा रहना चाहिए और एक मारो तो नॉकआउट होना चाहिए। ये तो देखो अभी मैं इस पर अगर बोलूँगा तो फिर ये हो जाएगा कि सर एक स्पीच दे रहा है, एक लेक्चर दे रहा है, ये तो हर कोई आजकल रील भी वायरल कर रहा है। आज का माहौल इतना बेकार हो चुका है,
चार साल की बच्ची या तीन साल की या 80 साल की बुजुर्ग को ले लो, कोई भी सेफ नहीं है। ये तो छोड़ो, लड़के भी सेफ नहीं है आज की जनरेशन में। रीज़न क्या है? अंदर से वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर उनको कॉन्फिडेंस रहेगा तो क्यों ये सब सिचुएशन आएगी? तो मेरा तो एक ही चीज़ है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करता हूँ कि लड़के हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग बन सके। और आपने ट्रेनिंग में भी देखा हो कि मैं लड़कियों को ज़्यादा फोकस कर रहा था कि मेरी बच्चियाँ स्ट्रॉन्ग हो सके। लड़के तो है, लेकिन लड़कियों को और टारगेट करना है कि वो एक अच्छा मार्शल आर्ट सीखे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी SMBP कमांडोज की ये है, उसे मैंने काफ़ी रील्स वगैरह डाली है जो रियल बनाई गई है, ऐसा नहीं कि फेक है, डमी है। तो बस यही है कि आने वाले टाइम में मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि जब कोई भी मास्टर, ऐसा नहीं कि मैं या हमारी टीम अगर ट्रेनिंग दे रही है, कोई भी मार्शल आर्ट का टीचर अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो उनको प्लीज़ रुकाए नहीं। उनको ये वर्ड ना बोले सर बारिश है, ऐसी जगह ले लिया, वो कर दिया, मेरे बच्चों को कम सिखाओ, आज कोल्ड है, मैं नहीं भेज रही हूँ। यहाँ से क्या होता है, बच्चा पीछे जाता है, आगे कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो प्लीज़ मास्टर की ट्रेनिंग के बीच में कोई भी ना आए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी। ये SMBP कमांडो जो है, मैं करीब 25 साल से इसको रन कर रहा हूँ। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो, अगर इस पर देखा जाए तो एक पूरी मूवी बन सकती है अगर कोई इसको प्रोडक्ट करे तो। लेकिन कैसा है कि अभी हम इसको धीरे धीरे, हमने 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, ये सिर्फ 4 स्टूडेंट को लेकर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन बस मैं चलता गया और कारवा बनता गया। लोगों ने मेरी ट्रेनिंग को सराहा, उनको अच्छा लगा और धीरे धीरे मुझसे लोग जुड़ते गए। आज हमारे पास ऊपर वाले की तरह से 5 ब्रांचेस है जो काफ़ी अच्छी रन कर रही है। कम से कम 30 से ऊपर हमारे यहाँ पर ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं और आज भी यहाँ पर कम से कम 3 बच्चे वापस ब्लैक बेल्ट देने के लिए रेडी है और वो एग्ज़ाम के लिए खड़े हुए हैं। तो बस यही हमारा बहुत कुछ है SMBP के बारे में बताने के लिए, लेकिन अपने बारे में खुद बताना एक अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही चाहूँगा, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ विज़िट करें SMBPcommando.com पर। आपकी टीम कैसी है, मतलब कौन लोग कैसे जुड़ते हैं आपकी टीम में जो दे रहे हैं? ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पीछे कुछ ब्लैक बेल्ट्स है, ब्लैक बेल्ट मतलब कि रेड ड्रेस है उनकी यूनिफॉर्म, तो वो क्वालिफाइड एक ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने कम से कम 4 से 5 साल उन्होंने मेहनत की है, प्रैक्टिस करने के बाद वो इस लेवल पे पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। वो अंडर मास्टर के अंडर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि मेरे अंडर अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनको और कैपेबल बनने के लिए और 2 साल जाएंगे, ब्लैक बेल्ट के बाद और 2 साल लगते हैं उनको अपना इंस्टीट्यूट डालने के लिए। तो ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे हमारे आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम अभी यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहा है, कम से कम 6 बच्चे उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कैसे करनी है। सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहे तो आपसे कहाँ संपर्क करें, क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जी? अगर सर ऐसा नहीं कि मुझसे ही कॉन्टैक्ट करें, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी मार्शल आर्ट वाला हो आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे पास आना चाहिए तो प्लीज़ वेलकम। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दिए गए नंबर 9870964615 पर कॉन्टैक्ट करें या SMBPcommandos.com की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या कहना है? कराटे का एग्जाम पता नहीं था कि इतना बारिश होगा और इतने कपड़े गीले और इतना भागने का मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कराटे जो आप सीख रहे हैं इसका रियल कारण क्या है? तो सेल्फ डिफेंस, कोई मारने है तो उसको हम लोग हरा दे, तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजें करी, हमको बड़ा होके फाइटर बनना है। अच्छा, आपने कौन सी चीजें करी है एग्जाम में? हमने रनिंग की है, हमने फर्स्ट स्ट्रोक किया है, फिर हमने फर्स्ट स्ट्रोक कंटिन्यूटली भी किया है। अपन लोग एग्जाम देते हैं, अपन लोग बारिश में भीग भीग के एग्जाम दिया है, अपन लोग बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं और सर अपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतनी टफ ट्रेनिंग करवाते हैं पानी में और सर इतनी टफ ट्रेनिंग करवाते हैं, इसीलिए मैं अपने फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ। कैसा लग रहा है ये बारिश में एग्ज़ाम आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी ऐसे किया नहीं है, ये हमें वर्कआउट कैसे करना है ऐसा ये एग्जाम। हमने जो बारिश में जो कराटे का जो ये किया एग्जाम दिया, वो किस प्रकार दिया, कौन से प्रकार के आपने ये किया? हमने पंचेस किए, किक्स किए, मूवमेंट्स किए और वेपन किए, नानचक वेपन्स में किए
पंचेस किए, किक्स किए, फिर मूवमेंट्स भी किया, हाउसिंग, फोर स्ट्रोक, एट स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक कंटिन्यू। हमने पंचेस किए, किक्स किए, मूवमेंट किए, वेपन्स किए, रनिंग किया और बारिश में पुशअप्स किए और सब। कौन से प्रकार किए आपने? पंचेस, किक्स, मूवमेंट्स, हाउसिंग और वार्म अप। हमने आज बहुत कुछ सीखा और अच्छा और रियल में सीखा। बारिश के दिन में मार्शल आर्ट्स की एग्जाम देकर बहुत अच्छा लगा। मेरे को इस बारिश के दिन में मार्शल आर्ट्स का एग्जाम देकर बहुत अच्छा लगा। माझं नाव शीतल शिंदे। पाऊस एक कन्सर्न आहे, मुलं आजारी पडतात, जसं आता वेदर चाललं आहे की आजारी पडत आहेत, पण आता त्यांचं इंटरनल स्ट्रेंथ कसं आहे, ते कसं कोपअप करू शकतात आणि मोस्टली ते लोक कसे घेत आहेत, त्यांना मजा करून घेत आहेत, तर इट्स ओके, वेल अँड गुड, पण इट्स ओके, घेऊ शकतात, त्यांचा एक चॅलेंजिंग पार्ट आहे ते। तुम्हाला कसं वाटलं की जे मुलं एक्झाम देत आहेत, तुम्हाला काय फील झालं ह्या एक्झाम म्हणजे एक्झाम बघताना तुम्हाला मुलांचं? छान वाटलं मला, फर्स्ट टाइम मी एक्झाम बघते त्यांची पूर्णपणे, छान वाटत आहेत, परफॉर्म चांगला करत आहेत मुलं करून। मी मेघा जाधव, हा SMB कमांडरच्या, खूपच छान मुलांना नईम सर खूप छान ट्रेनिंग देतात आणि आज इकडची त्यांची एक्झाम बघू की त्यांच्यातला एक जो कॉन्फिडन्स आहे ना तो खूप त्यांचा वाढतो, ते खूप बरं वाटलं। आणि या पावसामध्ये की असं म्हणजे त्यांच्या प्रत्येक लाईफला त्यांना काही ना काही कुठेतरी स्ट्रगल करायचंच आहे आणि अशा स्ट्रगलपासून ते खूप पुढे जातील, हेच नईम सरांकडून आम्हाला शिकायला मिळतं। आणि या मुलांबद्दलही खूप छान आहे की आज ती मुलं छोटी मुलं इथं पहिल्या स्ट्रीपपासून ते 7 स्ट्रीपपर्यंत त्यांची खूप मोठी, ती लोकं खूप छान स्ट्रगल करत आहे आणि एक त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो आहे आणि ती आज एक्झाम बघून असं वाटतं की त्यांनाही खूप त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे। आय अनिशा अल्मेडा, मदर ऑफ ब्रँडन अल्मेडा। I see that SMBP Commandos is making the children internally strong, be it physically fit, mentally fit, and they are really doing a good job in, you know, motivating the children. This exam also that was held outdoor was really good for the children rather than you having it indoors always. Thanks SMBP Commandos. Mera naam Ganesh hai. Main chahta hu ki aapke bachche bhi, aap sabhi ke bachcho ko aap bheje is yahan pe martial art mein, कि उसकी वजह से आपके बच्चे भी स्ट्रांग बनेंगे। और आप उनको घर में मत रखिए, उनको ये करिए कि जाए और अपना एक मार्शल आर्ट में और अच्छी तरह सीखिए। देखो, पहली बात, मेरा नाम कैरल फर्नांडिस है और मैं एक प्रोफेसर हूँ। और ये बारिश में जो एग्ज़ाम्स हो रहा है, हम ये सिचुएशन से कैसे हम लड़ सकते हैं, या ज़रूरी नहीं हमेशा क्लास में एग्ज़ाम्स होने चाहिए, तो ये बारिश में एग्ज़ाम्स है ये एक्स्ट्रा लेवल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कैसे फाइट करना है हर सिचुएशन में। और नईम सर यहाँ काफ़ी सालों से बच्चों को ट्रेन करते हैं और हम ज़्यादातर अब विमेन सेल्फ डिफेंस में भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एंड जैसे कि हमारे गर्ल्स भी है, सब ब्लैक बेल्ट्स है एंड वेल ट्रेन्ड है, काफ़ी सारे हमारे सेशंस होते हैं कॉर्पोरेट लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड इवन बॉयज़ के लिए, कि हमारे डिफेंस में कैसे मूव कर सकते हैं या सामने वाले को देखकर कैसे हमको डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनाना है। और ये क्लास जो है हमें कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, लाइफ, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों को, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सुबह से बारिश में भीगते हुए एग्ज़ाम दे रहे और एग्ज़ाम देते देते उन लोगों को भी लाइक किसी को बुखार है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम दे के उन लोग को लग रहा है कि बाबा इट वॉज़ द बेस्ट एग्ज़ाम दे हैड एवर। सो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को बाहर भेजो, भले बारिश हो, कुछ भी हो, लेट देम फाइट विद द सिचुएशन एंड स्टैंड फॉर देम सेल्फ। यस, सिचुएशन और गर्ल्स के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी हैव टू फाइट। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए एंड एवर रेडी रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भले बस में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें, वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड हमें पता चलना हमारे सेल्फ को हमें कैसे बचाना है और कैसे सुरक्षित रखना है। SMBP इस 20 इयर्स प्लस नईम सर ये फील्ड में है और काफ़ी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को
पेरेंट्स को, फीमेल्स, वर्किंग मेन्स, वर्किंग वुमेन्स सबको ट्रेनिंग देकर हुआ है। और मैं आप सबसे यही चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है बच्चों को ही करना है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, वी हैव डन, शी इज़ अ मैरिड वुमेन, शी इज़ अ स्टूडेंट। सो ज़रूरी नहीं है कि यू नो अनमैरिड पर्सन या छोटे बच्चे ही करना है। आज के ज़माने में 4 साल से 40 years and above, everybody has to and is a must to learn self-defense in their life, because कोई हमारा साथ हमेशा नहीं रहेगा, हमें खुद के लिए खड़ा रहना है। So I would request all the girls, stand for your own self. Thank you. मेरा नाम मीनल शाह है और मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर काम करती हूँ। सो मैं खुद एक ब्लैक बेल्ट हूँ। सो जो सिचुएशन और जो सिनारियो आज है, मतलब हैवी रेन्स है, इन बिटवीन टोरेंशियल रेन्स है और उसमें हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है एंड स्टूडेंट्स का जज्बा देखने जैसा है। उन्होंने कभी अभी भी गिव अप नहीं किया है एंड दे आर कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग, और ऐसा टाइप का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में कुछ भी सिनारियो आ सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में एंड हम हर सिचुएशन से रेडी रहते हैं फाइट करने के लिए। तो वही आज हम लोग का ट्रेनिंग है कि आपका कैसा भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो उसमें हम लोग फाइट करने के लिए रेडी है एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। एंड सेल्फ डिफेंस के लिए भी वी हैव टू बी ऑलवेज 24 आवर अलर्ट, कोई भी सिनारियो हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए। सो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि बारिश में बुला लिया है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? पेरेंट्स के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन, कभी भी यू नो एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमको कोई भी सिचुएशन से फाइट करना पड़ सकता है। सो आज हम लोग उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड पेरेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए इस बारे में, उल्टा उनको मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि यस दे आर फाइटिंग इन द एडवर्स सिचुएशन। सो मेरा नाम इंशान सारी है एंड आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। आई वुड से कि गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि लाइक यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या आ जाए, यू लाइक यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, नो मैटर कि क्या है वो, वेदर इट इज़ अ हैवी रेन और वट एवर इट इज़, लाइक यू हैव टू बी इतना प्रिपेयर्ड कि सामने वाले से आप फाइट कर लो। एंड या आई वुड से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स स्पेशली। मेरा नाम सोनल पासवान है और मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस हर लड़की को सीखना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबली कैसा होता है हमारे कंट्रीज़ में कि गर्ल्स जो होती है पेरेंट्स पे डिपेंड होती है, पहले भी तो फादर पे, फिर बाद में हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है कि वो ही है हमारे प्रोटेक्ट करने वाले। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको अपने पेरेंट्स या किसी पे भी डिपेंडेंट होना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। जैसे कि आजकल लड़कियां होती है कि हाँ हमको करियर में भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी खुद को मजबूत करना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस सीखना ही चाहिए मुझे लगता है, हर एक लड़की को सीखना चाहिए। थैंक यू। पहले यहाँ नहीं आए थे तब और अब SMBP में ट्रेनिंग लिया आपने, तब क्या फर्क पा रहे हैं अपने आप में? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बिकॉज तब मैं बहुत लेजी जैसा रहती थी, बट अभी बहुत एक्टिव हूँ हर चीज़ में और इवन लाइक बहुत क्विक हो गई हूँ चीज़ों को लेके, चीज़ों को ऑब्जर्व करना लग गई हूँ। बट पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा लेजी जैसा रहने था, फिर वही जॉब देन सिटिंग एंड ऑल, बट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट लगता है हर चीज़ को लेके। पहले जब भी मैं यहाँ पर ज्वाइन करने वाली तब मुझे पता नहीं था कि मेरे से होगा ये सब चीज़, लेकिन बाद में मुझे सर ने मोटिवेट किया और तभी से सब कुछ होने लगा मेरे से, और कुछ भी वो हार नहीं मानना चाहिए हम लोग को और हम लोग के लिए। कैसे आप मैसेज देंगे दूसरे गर्ल्स को कि वो भी ट्रेनिंग ले जो नहीं? हम सब लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये सब चीज़ ज्वाइन करके ये बहुत काम आएगा आगे। मैं जब फर्स्ट टाइम इधर ज्वाइन हुई थी तब मेरा हैंड मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तब मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई थी, तभी से मैं थर्ड ट्रिप होती आज, पर मैं सेकेंड ट्रिप हूँ और मैं इधर थर्ड ट्रिप देने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं SMBP कमांडोज में हूँ और मुझे बहुत पापा सपोर्ट करते हैं और ये क्लास भी। कमिंग टू SMBP मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इधर। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू जॉइन क्लासेज, लेकिन ड्यू टू रीजन्स अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू। एंड इधर जॉइन करने के बाद लाइक आई लव दिस प्लेस, आप स्पिरिट देख सकते हो, इट्स वेरी हाई इवन इफ इट्स रेनिंग, अभी सब लोग एग्जाम्स दे रहे हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एवरी वन स्पेशली गर्ल्स टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि इट्स जस्ट अ बेसिक नेसेसिटी। आई फील सबको पता होना चाहिए सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए एंड दे शुड बी एबल टू डू इट ओवरऑल। थैंक यू। हाँ आई मीन SMBP में आके मतलब इट्स अ चेंज पूरा फुल।
एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अलर्ट रहना सीखा है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में. आपके साथ कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, इवन आपके घर में भी आप पे अटैक हो सकता है. तो यू नीड टू बी ऑलवेज अलर्ट, विच वी लर्न इन दिस क्लास. थैंक्स टू प्रफुल सर, थैंक्स टू सर मास्टर एंड एवरी वन. एंड बारिश में येस इट वॉज अ चैलेंज, बट आई थिंक वी अचीव्ड इट. एंड सबको देख के वो अलग ही एंथुजियाजम आता है कि हाँ कर लेंगे आज. माझ्या मुलीचं नाव तन्वी पांचाळ आहे आणि मुलाचं नाव प्रणय पांचाळ. प्रणय माझा ब्लॅक बेल्ट झालेला आहे इथेच आणि खूप छान त्याच्याकडून म्हणजे जे म्हणजे आम्हाला जी अपेक्षा होती ती खूप छान झाली त्याच्याकडून, खूप स्ट्रॉंग झाला आहे तो. आणि दुसरी गोष्ट आता माझी मुलगी पण ट्रेनिंग घेते आणि त्यांची ट्रेनिंग देण्याची टेक्निक पण चांगली आहे. सलीम सर, आपले नईम सर, प्रफुल सर हे खूप छान ट्रेनिंग देतात आणि त्याच्यामुळे माझी मुलं खूप स्ट्रॉंग झाले आहेत आणि समाजामध्ये वावरायला पण सक्षम झाले आहेत. नाही आता खूप गरजेचं आहे कारण मुलं आता क्लासेसला जातात, ट्युशनला जातात तेव्हा एकटी असतात आणि त्याच्यामुळे आता आम्हाला थोडंसं कॉन्फिडन्स येतो की चला आपण एकटं त्यांना सोडू शकतो. आता जे काही वातावरण चाललं आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे खूप बरं वाटतं की मुलगी पण माझी स्ट्रॉंग झाली आहे त्याच्यामुळे खूप बरं वाटतं मला. मेरा नाम गणेश कुमार आहे, मेरा बच्चे का नाम आहे दियान. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जब से ज्वाइन किया वो आई थिंक सिक्स्थ बेल्ट है. तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाता भी है हम लोग को. मतलब अभी कि थोड़ा फैट है मेरा बच्चा लेकिन फिर भी वो है ना बहुत रिकवरी कर रहा है. और मैं अभी जिस हिसाब से इन लोग का ऑर्गेनाइजेशन है मैं बहुत अच्छा लगा. और हम लोग मतलब उधर ही जो उनका क्लासेस है उधर नज़दीक में रहता है लेकिन बहुत एक्चुअली सब लोग पार्टी इसमें बच्चे लोग को है ना भेजना चाहिए. एक घंटे का क्लास रहता है. मेरे हिसाब से ना बहुत लोग बच्चे लोग है ना बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, बहुत कुछ आगे कुछ कर सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. और ये मतलब मेरे हिसाब से जितना भी पेरेंट्स है इसका ये सोच के इसमें ज्वाइन करवाना चाहिए.